इश्यू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर, ये वाला क्वेश्चन देखिए कि प्लांट एंड मशीनरी वर्थ इतने का, फर्नीचर इतने का, कंपनी ओवर इतने का, परचेज कंसिडरेशन ये है ब्लू। चलिए ये देख लेते हैं, आज यही वाला टॉपिक रहेगा, फिर इवनिंग में करेंगे ना। और चलिए, कहता है कि ब्लू प्रिंट लिमिटेड ने परचेज किया बिल्डिंग कितने का, 1.5 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 1.40 का, फर्नीचर ₹10,000 का, फ्रॉम वाधवा एंड कंपनी टुक ओवर द लाइबिलिटी 20,000 का लिया है, परचेज कंसिडरेशन यानी पीसी जो है वो 3/15 का हम देने की तैयारी कर रहे हैं, और 3/15 के साथ साथ ब्लूप्रिंट लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन इशू बाय 12% डिबेंचर एट अ प्रीमियम 5% पास जर्नल एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले सारे एसेट्स खरीद लें, तो क्या क्या एसेट्स हैं बताइए, फॉर्मेट नहीं बना रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,50,000, फिर है हमारा प्लांट एंड वन फोर्टी, फर्नीचर 1,50,000 डेटर है, क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का, और कुछ भी है, 2 PC, और पीसी कहाँ के भैया, हम तो देंगे 3/15। अब आपको डिसाइड करना है कैपिटल रिजर्व या गुडविल, तो 3,25,000 और ऊपर है 3 लाख, तो हमारा ऊपर ही निकल रहा है गुडविल, कितने का निकल रहा है, नहीं 15 निकलेगा ना, 35, हाँ ठीक है, बहुत सिंपल था ये तो क्वेश्चन। इसके बाद आगे देखा जाए तो नंबर निकालना है हमें, नंबर फाइंड करना है, नंबर क्या होगा सर, नंबर कितना होगा, 3,15,000 और डिवाइडेड बाय 5% प्रीमियम है तो 105, कितने आए 3,000। नाउ हमारा एंट्री हो जाएगा पीसी टू, कितने परसेंट डिबेंचर प्रॉमिस किया, 12%, 12% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 315, और ये हमारा 3,000 जब आया है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, दैट इज आ जाएगा 3 लाख, और आगे देखा जाए तो 3,000 × 5, 15,000 लीजिए, ये डन हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया, डन, तब अंडरराइटर पे आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, यहां तक प्रॉपर क्लियर हो रहा है, एक अगेन बोलूंगा जो AS 14 वाला है उसे हम डिटेल में करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम कह रहे हैं सर बुक में करा है नहीं करा, उसको हम कंसिडर कर लेंगे आगे चल के, अभी मैंने सिंपली बताया। सर गुड विल फ्यूचर के BD लिख सकते हैं, अंकित समझ में नहीं आया मुझे। चलिए सर अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट आ जाते हैं सर, जहां से हमने शुरू किया था, स्टार्ट किया था कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पे आ जाते हैं, तो हमने ये वाला भी काम कंप्लीट कर लिया, अब आ जाते हैं किस पे सर, और लास्ट प्रमोटर और ये कॉन्सेप्ट पूरा खत्म, अलग से है वो टॉपिक, तो ये सिर्फ अदर देन कैश के अंडर पार्ट है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट अकाउंट में यही तो है कि छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं। आज शाम को कर लेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी,
और पॉसिबिलिटी मैंने टारगेट लिया था कि डिबेंचर खत्म ही हो जाए शाम को, तो बढ़िया। चलिए अंडरराइटर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हु इज अंडरराइटर और अंडरराइटर का वर्क क्या होता है। जैसे मान लो एक है एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो जो एक्स वाई जेड लिमिटेड है ना, इसको इशू करना है अपने डिबेंचर, इशू करना है डिबेंचर। तो हमेशा शेयर बाजार के अंदर जो शेयर मार्केट होता है ना, स्टॉक मार्केट, उसके अंदर जितने भी ट्रेडर्स होते हैं या फिर इन्वेस्टर होते हैं या फिर जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले, यूटीआई वगैरह, वो उन्हीं के कंपनी में पैसा लगाना फेथ करते हैं जिस कंपनी का पहले से नाम है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडियन ऑयल अपना एक डिबेंचर इशू कर रही है, तो सबको पता है तो इजिली बिक जाएगा। लेकिन कोई ऐसी कंपनी आए और वो अपना डिबेंचर इशू करे और जिसका पहले नाम नहीं सुना हुआ, भले ही उसका काम बहुत अच्छा हो, तो ऐसे सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है कि वो अपना डिबेंचर खुद ना बेच पाए, खुद बेच ही नहीं पाए। जैसे सपोज आप आज के डेट पे, अगर आप, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर मैं बिस्किट की बात करूँ, तो बिस्किट में दो तीन कंपनी है जो कि मोनोपोली करती है। एक ब्रिटानिया हो गया, एक प्रिया गोल्ड हो गया और एक सनफेस्ट का हो गया। दो तीन कंपनी और एक पार्ले का हो गया, चार कंपनी मान लो मोटा मोटा। एक नई कंपनी आती है बिस्किट्स की, वो बेचने जाती है, तो सीधा मैन्युफैक्चरर वो बिस्किट बेच ही नहीं पाएगा, उसको वो सेल्समैन पकड़ना होगा, वो डीलर पकड़ना होगा जो कि दुकानदार को वो दे पाए। यानी जो अब मीडियोकर कौन बनेगा, सेल्समैन बनेगा। सेल्समैन उसी दुकान पे ब्रिटानिया का भी बिस्कुट देगा और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग मान लेते हैं पीके कंपनी है, तो पीके कंपनी का भी बिस्कुट देगा, बोलेगा ये भी अच्छा ब्रांड आया है, और जब दुकान में विजुलाइज होगा तभी बिक सकता है, ठीक है ना। जब दिखेगा दुकानदार को मार्जिन देंगे। तो हमें एक मीडियोकर ढूंढना पड़ता है जो हमारे सामान बिकवा दे, और उसमें उसको ज्यादा कमीशन भी देना पड़ता है और ज्यादा हमें उससे एनफोर्स, मतलब कि बोलना पड़ता है कि भाई जल्दी से जल्दी बिकवाओ। तो सेम ये जब अकेला और इस कंपनी का नाम कुछ भी नहीं है, तो ये अपने डिबेंचर बेचने में कामयाब ही नहीं होगा। तो इसको सबसे पहले डिबेंचर जो है, हमारा एक चैप्टर भी है, हालांकि मैंने बीच में स्किप कर दिया वो चैप्टर, हम आगे पढ़ेंगे। होगा क्या, जो ये कंपनी है एक ढूंढेगा एक ऐसे व्यक्ति को जिसका के मार्केट के अंदर बहुत लोग उसको जानते हो और उसके ऊपर फेथ करते हो, और दैट इज जो वो व्यक्ति होगा उसके अंदर, जैसे कि मान लेते हैं स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है, शेयर बाजार के अंदर बैंक्स के पास बहुत पैसा होता है और ज्यादातर काम ये बैंक ही करती है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मिलके करते हैं। तो उसने ढूंढा एक ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा, इसका रेपुटेशन है। अब इसने क्या करा, इस और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई जो मान लेते हैं ये मिस्टर राम है, और मिस्टर राम ने एक डील कर लिया एक्स वाई जेड लिमिटेड से कि मैं आपके सारे डिबेंचर बिकवा दूंगा, मैं आपके ऑल डिबेंचर बिकवा दूंगा। सारे डिबेंचर मैं आपके बिकवा दूंगा। किसके बीच में डील हो गया सर? राम के और एक्स वाई जेड लिमिटेड के। जब राम और एक्स वाई जेड लिमिटेड के बीच में ऐसा डील हो गया कि मैं सारे डिबेंचर बिकवा दूंगा, तो अब राम ये डिबेंचर सारा का सारा इनसे ले लेगा, इनसे चला गया किसके पास सर? राम के पास। और राम क्या करेगा, फर्दर आके छोटे छोटे टुकड़े में अपने जानने वाले के पास जाएगा और सभी को ये डिबेंचर बेच देगा, सभी को जानने वाले को बेच देगा। मान लेते हैं ए को जानता है, बी को, सी, डी, ई, एफ और जी। मान लेते हैं इन सभी को बेचने के बाद भी कुछ ऐसे डिबेंचर है जो कि नहीं बिक पाए। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मैंने बोला कि 10 लाख डिबेंचर बेचने हैं और इन सभी ने मिलके सिर्फ और सिर्फ 8 लाख डिबेंचर ही खरीदे,
तो स्टिल 2 लाख जो डिबेंचर ये नहीं बेच पाया है, तो ये डिबेंचर इसको वापस नहीं करेगा, इसको खुद परचेज करना पड़ेगा। ये सेल्फ सेल्फ इसे खुद खरीदना होगा, क्योंकि डील इसी बात की हुई कि मैं तुम्हारे डिबेंचर बिकवाऊंगा। अगर ये नहीं बिकवा पाए तो कंपनी बोलेगा भाई पहले बताता, नहीं बिकवा पाऊंगा, मैं किसी और एजेंट को देखता। तो जो ये व्यक्ति है, एक तरीके से इन दोनों के शेयर होल्डर और इनके बीच का एक मीडियोकर का काम करता है, जिसे बोलते हैं अंडरराइटर। तो बेसिकली सिंपल वर्ड में देखें तो एक तरीके से एजेंट बोल लो या ठेकेदार बोल लो, जो कि हमारे डिबेंचर को बिकवाने का काम करेगा। और ये ऐसा काम क्यों करेगा? क्योंकि बदले में इसे मिलेगा परसेंटेज कमीशन। और सर इसका मैक्सिमम कमीशन का रेट लॉ कहता है 2.5% हो सकता है, उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता। 2%, 2.5। तो अगर मैं यहाँ पे कमीशन आपसे पूछूं तो 10 लाख इंटू में, अगर रुपीज की दे रखा है मैंने, 10 लाख इंटू में 2.5 मैक्सिमम डिस्काउंट कमीशन, सॉरी, तो कितना हो जाएगा ये? 25 हजार। 25 हजार ही होगा ना? तो सर इसको 25 हजार कमीशन मिलेगा। अब इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कमीशन दे। अब कमीशन जब उसको वो पेड करेगा, तो कमीशन देने के मेथड्स हो सकते हैं। नंबर 1, या तो मैं उसको कैश में दे दूं। नंबर 2, मैं उसको क्या करूं, इशू कर देता हूं डिबेंचर। तो बदले में इसको जो पैसे देने थे, पैसे ना देके जो मैंने डिबेंचर इशू कर दिया इसको, इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया डिबेंचर इशू टू अंडर राइटर। ठीक है, सिंपल एंट्री है कि पहले हम लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, इसको नाम है अंडर राइटर। हमारा एक है अंडर राइटर कमीशन, जिसका नाम है खर्चा, और अंडर राइटर है हमारे लिए लाइबिलिटी। तो अगर मैं जनरल एंट्री यहां पे क्रिएट करूं तो बड़ा बेसिक सा होगा। पहले हम खर्चे को बुक करेंगे अंडर राइटर एक्सपेंस, एक्सपेंस कह लो या कमीशन, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है तो ये डेबिट हो गया। और किसको देना है पैसा? अंडर राइटर को। और अंडर राइटर कौन है? जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, मेरे वाले एग्जाम्पल में मिस्टर राम है, समझ रहे हो? नाउ अब अंडर राइटर को पेमेंट जब करेंगे तो अंडर राइटर, और 2 में क्या कर देंगे सर? 2 में हम कर देंगे, क्या कर देंगे बताओ? 2 में कर देंगे हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं, सपोज 10% डिबेंचर। बस ये 2 एंट्री होनी होती है यहाँ पे। अब जो हम बदले में डिबेंचर देते हैं, सम हाउ पॉसिबल है कि प्रीमियम पे दे दें, डिस्काउंट पे दे दें, वो मर्जी है। तो प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम का जैसे सीखा है पहले केसेस में वही होगा, डिस्काउंट पे होगा तो जैसे सीखा है वही होने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे सामने है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। कहता है एक कंपनी है रहेजा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, रहेजा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अलॉट 1200 10% डिबेंचर, 100 रुपए का एक, एट अ डिस्काउंट 10% टू भोला राम लिमिटेड फर्म अंडर राइटर फॉर देयर सर्विसेज। और सर्विस क्या दिया होगा? डिबेंचर बिकवाए होंगे, और जो सर्विसेज के बदले मिल रहे हैं उसे बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन बोलते हैं। ठीक है, कमीशन दिया जाता है। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी, सर सबसे पहले हमने जो प्रॉमिस किया है कि आपको जो देंगे, तो सबसे पहले नंबर की बात कर लो। हमने कहा है भैया हम आपको 12,000, 1200 और 100 रुपये वाला, दैट इज हमारा 1,20,000 का हिसाब किताब बन रहा होगा। लेकिन हमने उसको ऑफर किया, हम तुमको और सस्ते में अपने डिबेंचर दे देंगे। तो खर्चा जो माना जाएगा वो कितना माना जाएगा हमारा, बताओ खर्चा क्या माना जाएगा अंडर राइटर में? मैंने एंट्री करा अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब सर हमने तो ये प्रॉमिस किया कि आपको 1,20,000 रुपए का डिबेंचर देंगे। ठीक है, क्या हो गया इसमें? चलो, और हमने ये भी बोला कि आपको जो देंगे
वो हम देंगे आपसे जो पेमेंट का हिसाब रखेंगे 1200 * में 5-10% का डिस्काउंट है तो 90 का देंगे, दैट इज 1,08,000 रुपये का हम रखने वाले हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए 1,08,000 के हिसाब से तो हमारा जो खर्चा रहा होगा वो कितना रहा होगा? कमीशन कितना माने? 1,08 होगा ना खर्चा? खर्चा क्या होगा हमारा 1,08 का, क्योंकि हमने इसे 1,08 देना रहा होगा और मैंने बोला तुम्हें तुम्हें सस्ते में दूंगा तो इसको 1,20 मिल गए होंगे, ठीक है। अब अगली एंट्री करेंगे, बींग क्या लिखोगे सर? बींग अंडरराइटर कमीशन, अंडरराइटर एक्सपेंस कह लो, कुछ भी कह लो, ड्यू। अगली एंट्री करेंगे अंडरराइटर अब डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट ऑन इशू टू 10%, तो 1,08,000 और यहां पे आ जाएगा 1,200 * 10, 12,000 और नीचे आ जाएगा 1,00,000। और आपको सिंपल पता है इस डिस्काउंट को राइट ऑफ भी करना है तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट, लीजिए जी। अंडरराइटर का भी पार्ट हो गया, डन। दिक्कत है कोई? ठीक है। और कई बार बुक के अंदर एंट्री नहीं मिलेगा ये वाला लास्ट वाला, तो मैंने बताया नोट हमें हर बार देना है जो पहले लिखवाया था।